और अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की। जी हाँ, जहां मतदान की तारीख के करीब आते ही सियासत की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अभी रैलियों पर रोक है, ऐसे में अब डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। अभी तक दिन पहले दिन ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में घर घर जाकर अभियान चलाया और अब्बा जान वाले बयान के जरिए अखिलेश पर हमला बोला। उधर अखिलेश भी योगी सरकार पर पलटवार कर रहे हैं। एक बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि पार्टी आज उत्तराखंड में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला करने के लिए अहम बैठक कर रही है, लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जुबानी जंग। आपको आइए सुनाते हैं। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे। और जो इंप्लाइज कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें शासन 10% देता था, कर्मचारी को 10% देना था। अकाउंट ही नहीं थे, पैसा ही नहीं जमा होता था। पिछली सरकार ने 2004 से लेकर 2017 तक कोई पैसा जमा नहीं किया। पुरानी पेंशन की बहाली होगी, समाजवादी सरकार थी। आज से 5 साल पहले 500 रुपया महीना अपनी माताओं को हम देते थे, 50 लाख माताएं बहनों को उनके अकाउंट में पहुंचता था। आज तो महंगाई भी बढ़ गई, बजट भी बढ़ गया, तो क्यों नहीं दे सकते? अगर हम सोशल स्कीम्स पर बजट का कुछ परसेंटेज क्या खर्च नहीं कर सकते? उनको सत्ता मिली, उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया, और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। फर्क साफ है, वे दंगाइयों को, माफियाओं को, अपराधियों को प्रश्रय देते थे तो दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, हर व्यक्ति असुरक्षित होता था। आज अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए जानबूझ करके बहस को इस तरीके से उलझाना चाहते हैं। अगर कोई तमंचेबाज है, अगर कोई अपराधियों को संरक्षण देता है, तो गोरखपुर से ज्यादा संरक्षण अपराधियों को कहीं नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सरकार में किसी माफिया को संरक्षण नहीं मिला। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि जौनपुर का माफिया कौन है, चंदौली का माफिया कौन है, मिर्जापुर का माफिया कौन है, सोनभद्र का माफिया कौन है, बनारस का माफिया कौन है? कौन माफिया है जिनके पास बड़े बड़े टिफिन खाने के जाते हैं? समाजवादी पार्टी की पहले दिन से मांग रही है कि आप टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करिए। ये सरकार क्यों टॉप 10 माफियाओं की जारी नहीं कर रही है?